आज हम कंटिन्यू करेंगे पैडी कल्टीवेशन को इन इंडिया राइस इज सोन एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट रीजन्स ड्यू टू हाई वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन भारत में चावल को उगाया जाता है अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्रों में क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो अलग अलग क्षेत्रों की होती है वो अलग होती है वेरी करती है द क्रॉप कैन बी डिवाइडेड इन द फॉलोइंग थ्री ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ हार्वेस्ट टाइम तो फसल का हार्वेस्ट टाइम के अनुसार हमने इस फसल को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया है पहली है विंटर राइस सेकंड है ऑटम राइस एंड थर्ड है स्प्रिंग राइस तो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट विंटर राइस विंटर राइस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैड़ी क्रॉप ऑफ इंडिया सबसे इम्पोर्टेंट धान की फसल भारत में ये मानी जाती है जनरली इसे उगाया जाता है बोया जाता है जून जुलाई में और काटा जाता है या हार्वेस्ट किया जाता है नवंबर दिसंबर के महीने में द क्रॉप कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विद इन वन फोर्टी टू वन सिक्सटी डेज इसकी लाइफ साइकिल एक सौ चालीस से एक सौ साठ दिनों की होती है और इट इज़ मोस्टली ग्रोन इन लो लैंड निचले इलाकों में लो लैंडस में इसको ज़्यादातर बोया जाता है सेकेंड वेराइटी इज़ ऑटम राइस नाउ द ऑटम राइस इज सोन इन मे जून मई जून के महीने में इसको बोया जाता है एंड इज रेडी फॉर हार्वेस्ट बाय सितंबर अक्टूबर और ये सितंबर अक्टूबर के महीने में काटने के लिए तैयार हो जाती है द क्रॉप दस कम्पलीट्स इट्स लाइफ साइकिल इन नाइन्टी टू हंड्रेड एंड टेन डेज नब्बे से एक सौ दस दिन के अंदर अंदर इसकी लाइफ साइकिल कम्प्लीट हो जाती है इट इज़ मोस्टली कल्टिवेटेड इन हाईलैंड इसको हाई लैंड्स में ज़्यादातर बोया जाता है थर्ड टाइप इज स्प्रिंग राइस इट इज़ सोन इन दिसंबर जनवरी एंड इट मैच्योर्स इन मार्च अप्रैल टू प्रिंसिपल सिस्टम्स ऑफ राइस कल्टिवेशन आर फॉलोड इन इंडिया भारत में चावल के कल्टिवेशन के दो मुख्य सिस्टम फॉलो किए जाते हैं पहला है ड्राई पैडी कल्टिवेशन एंड द सेकेंड वन इज वेट पैडी कल्टिवेशन ड्राई पैडी कल्टिवेशन में इन दिस सिस्टम द क्रॉप इज रेज ऑन ड्राई स्वाइ वेरी मच लाइक अदर सीरियल्स इस सिस्टम में चावल की फसल को सूखी मिट्टी में या ड्राई सॉइल में ही बोया जाता है दूसरे सीरियल्स की भांति द लैंड इज रिपीटेडली प्लोड टू ऑप्टेन द नेसेसरी टिल्थ जमीन पर रिपीटेडली प्लोइंग की जाती है द फार्मार्ड मैन्योर इज इवनली अप्लाइड उसके बाद प्लोइंग करने के बाद हल जोतने के बाद फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई किया जाता है 30 से 45 दिन के लिए बीज बोने से या सोइंग करने से पहले द लैंड इज़ प्लोड फाइव टू सेवन टाइम्स एट एन इंटरवल ऑफ सेवन डेज जमीन की जो प्लोइंग है वो पाँच से सात बार की जाती है पाँच से सात बार जमीन में हल जोता जाता है सात सात दिन के अंतराल में सीड्स आर देन सोन बाय ब्रॉडकास्टिंग डिबलिंग और ड्रिलिंग इन लाइंस उसके बाद बीजों को बोया जाता है आइदर ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा डिबलिंग के द्वारा या फिर पंक्तियों में ड्रिलिंग के द्वारा द लाइन टू लाइन डिस्टेंस इज कैप्ड ट्वेंटी टू 25 सेंटीमीटर और प्रत्येक लाइन की जो दूरी है डिस्टेंस है वो 20 से 25 सेंटीमीटर तक रखी जाती है द सेकेंड मैथड इज़ वेट पेडी कल्टिवेशन इन दिस मैथड या इन दिस सिस्टम द क्रॉप इज ग्रोन अंडर एन अश्योर्ड एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ वाटर फसल को बोया जाता है उगाया जाता है पानी की सप्लाई के अंडर में एंड द प्लांट्स रिमेन फ्लडेड बाय वाटर और जो पौधे होते हैं उनको पानी से ढक दिया जाता है फ्रॉम द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग एंड टिल हारवेस्टिंग ट्रांसप्लांटिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक नाउ इट अकाउंट्स फॉर नियरली नाइन्टी परसेंट ऑफ राइस कल्टिवेशन इन इंडिया वेट पैडी कल्टिवेशन के द्वारा लगभग नब्बे प्रतिशत राइस कल्टिवेशन की जाती है भारत में अंडर दिस सिस्टम द लैंड इज थोरली प्लोड इस सिस्टम में फील्ड की खेत की थरली प्लोइंग की जाती है एंड पडल्ड विथ फाइव टू सिक्स सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर और फिर उसमें पाँच से छः सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर डाला जाता है भरा जाता है द वेट फील्ड इज़ रिपीटेडली प्लोड पानी पडल करने के बाद या पानी भरने के बाद में जो गीली खेत होता है गीली मिट्टी होती है उसमें रिपीटेडली प्लोइंग की जाती है चार से छः बार इन इंटरवल फोर टू फाइव डेज चार से पाँच दिन के अंतराल के अंदर चार से छः बार वेट फील्ड में प्लोइंग की जाती है या हल चलाया जाता है नाउ दो प्लोइंग के बीच में जो इंटरवल है वो चार से पाँच दिन का होना चाहिए इन दिस सिस्टम द स्प्राउटेड सीड्स इस सिस्टम में जो अंकुरित बीज होते हैं दे आर डायरेक्टली सोन इन पडल्ड एंड लेवल्ड फील्ड डायरेक्टली स्प्राउटेड सीड्स को बो दिया जाता है फीड में यानी कि उस खेत में जिसमें पानी हमने भर दिया है के बाद में, या फिर सीडलिंग्स को ग्रो किया जाता है पहले नर्सरी में और फिर उनको खेत में ट्रांसप्लांट किया जाता है देर इज येट अनदर सिस्टम नोन एज सेमी ड्राई सिस्टम ऑफ पेडी कल्टिवेशन एक और सिस्टम आता है पेडी कल्टिवेशन के अंतर्गत जिसे सेमी ड्राई सिस्टम के नाम से जाना जाता है वेयर राइस इज सोन एज ड्राई क्रॉप जहाँ पर चावल को बोया जाता है एक ड्राई क्रॉप के रूप में टू बिगिन विद शुरुआती दौर में बट लेटर रेन वाटर इज इम्पाउंडेड इन द फील्ड बाद में बारिश के पानी को या वर्षा के पानी को खेत में डाला जाता है वेन द क्रॉप इज़ फाइव टू सिक्स वीक्स ओल्ड जब फसल पाँच से छः हफ्ते मेच्योर हो जाती है एंड द फील्ड इज प्लोड क्रॉसवाइज और उसके बाद खेत को हल चलाया जाता है क्रॉस वाइज पैटर्न में एक हल्के से हल्के द्वारा दिस प्रैक्टिस नोन एज बुशनिंग इज प्रेन्ट इन उड़ीसा एंड मध्य प्रदेश ये जो मेथड है ये जो प्रैक्टिस है जिसे बुशनिंग के नाम से जाना जाता है अधिकतर देखा जाता है उड़ीसा और मध्य प्रदेश में द हाई येराइटीज ऑफ राइस रिक्वायर्स सफिशियंट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर जितनी भी एच वाई वी वेराइटीज़ हैं राइस की उनको सफिशेंट अमाउंट में फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता पड़ती है अराउंड 100 टू 110 केजी पर हेक्टेयर ग्रीन मैन्योर इज़ अप्लाइड टू द फील्ड 30 टू 45 डेज बिफोर सोइंग तो एच वाई वी वेरायटीज़ को उगाने के लिए लगभग 100 से 110 केजी पर हेक्टेयर ग्रीन मैन्योर को डाला जाता है खेत में बीज बोने से 30 से 45 दिन पहले आफ्टर सोइंग हंड्रेड टू हंड्रेड एंड टेन के जी सुपर फोसफेट एंड टू हंड्रेड के जी अमोनियम सल्फेट पर हैक्टेयर इज अप्लाइड बीज बोने से पहले या सोइंग करने से पहले सौ से एक सौ दस के जी सुपर फोसफेट और दो सौ के जी अमोनियम सल्फेट पर हैक्टेयर अप्लाई किया जाता है फील्ड में एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स जस्ट बिफोर पेनिकल फॉर्मेशन ग्रेटली इंक्रीज दीड फर्टिलाइजर्स का जो एप्लीकेशन होता है पेनिकल्स बनने से पहले यील्ड या प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में मददगार होता है वेन द कर्म टर्न्स ब्राउन और येलो जब इसकी जो कलम होती है वो ब्राउन कलर की या येलो कलर की हो जाती है द क्रॉप इज कंसिडर टू बी रेडी फॉर हार्वेस्टिंग तब हम समझ जाते हैं कि फसल मेच्योर हो गई है और ये काटने के लिए तैयार है प्री मैच्योर हार्वेस्टिंग लोअर्स यील्ड अगर हार्वेस्टिंग के टाइम से पहले अगर हम उसको काट दे देते हैं या प्री मेच्योर्ड हम फसल को हार्वेस्ट कर लेते हैं तो इससे प्रोडक्टिविटी में कमी देखी जाती है हार्वेस्टिंग इज यूजुअली डन बाय हैंड सिकल्स हार्वेस्टिंग जनरली दरातों के द्वारा हैंड सिकल्स के द्वारा किया जाता है द हार्वेस्टेड क्रॉप इज ड्राइड इमीडिएटली कटे हुए धान की फसल को तुरंत सुखाया जाता है और थ्रेशिंग की जाती है इसे पीटा जाता है टू अवॉइड द ग्रेन लॉस ताकि ग्रेन का लॉस ना हो ग्रेन्स आर विनोड एंड प्रॉपर्ली ड्राइड बिफोर बैगिंग जो दाने होते हैं उन्हें अच्छी तरह से पीटा जाता है पटका जाता है विनोइंग की जाती है और प्रॉपर्ली सुखाया जाता है उनको बैगिंग करने से पहले या कट्टों में भरने से पहले फॉर सेफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मॉइस्चर कंटेंट शुड बी इन द रेंज ऑफ 12 टू 14 परसेंट अच्छी तरह से ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए मॉइस्चर का जो कंटेंट है वो 12 से 14 परसेंट के बीच में होना चाहिए द हस्क ऑफ़ द ग्रेन इज रिमूव्ड भूसा जो ग्रेन में से निकलता है उसे हटा दिया जाता है बाय हैंड पाउंडिंग हाथ के द्वारा और बाय पावर ड्रिवन राइस हलर्स या फिर बिजली से चलने वाले राइस हलर्स के द्वारा हस्क को हटा दिया जाता है टू कीप क्वालिटी ऑफ राइस इट इज़ ऑफन पॉलिश विद टैल्क ग्लूकोज और सम अदर मटीरियल राइस की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए उसमें पॉलिश की जाती है टैल्क से ग्लूकोज से या किसी और टीरियल के द्वारा द मिल्ड राइस इज दैन ग्रेडेड एंड बेड उसके बाद चावल को ग्रेड किया जाता है और उनकी पैकिंग की जाती है इम्प्रूव वेराइटीज इन इंडिया सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है इज इंगेज इन डेवलपिंग एच वाई वी वेराइटीज ऑफ राइस सेवरल वराइटीज ऑफ राइजर सटावा आर नोन विद डिफर इन माफोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स सम एच वाई वी वेराइटीज ऑफ राइस ग्रोन इन इंडिया आर फर्स्ट इज बाला

दैट प्रोड्यूस पेनी टीलर्स इसमें से बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं एंड ग्रीन्स है कंटेंट और उसके ग्रेन्स के अंदर लाइसिन की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है नेक्स्ट इज साबरमती बी सी फाइव डबल फाइव इट इज ऑल्सो अ शॉर्ट सैचुरेटेड वेराइटी विच मैचर्स इन अबाउट हंड्रेड एंड एटीन डेज इट प्रोड्यूस बेस्ट क्वालिटी बासमती राइस नेक्स्ट इज जावा आई ई टी सेवन ट्वेंटी थ्री इट इज अडियम क्वालिटी राइस विद हाई यील्ड इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है और क्वालिटी मीडियम होती है मध्यम होती है इट मैच्योर्स इन अबाउट वन थर्टी डेज नेक्स्ट इज माही सुगंधा आई ई टी वन टू सिक्स ज़ीरो वन इट इज़ अ सेमी डाफ वेराइटी सेमी डारेराइटी होती है ये जो कि नाइंटी टू से नाइन्टी फाइव सेंटीमीटर देखी जाती है इट इज़ ऑल्सो फोटो इनसेंसिटिव वेराइटी दैट मैच्योर्स इन वन थर्टी टू वन थर्टी फाइव डेज with an average yield of 42 to 45 quintal per hectare. Some important high yielding varieties that are found in Rajasthan are N22, Sathi 34 to 86, Sagra, Local Basmati and Columba. Next is Uses. Rice is a staple diet of over a third of world's population. जो भाग है वहाँ पर ये एक स्टेपल डाइट मुख्य डाइट के रूप में खाया जाता है इट इज अ स्टार्च रिच फूड इसमें स्टार्च प्रचुर मात्रा में पाई जाती है ईट एन आफ्टर बॉइलिंग जिसे बॉईल करने के बाद खाया जाता है मिक्सड विद ब्लैक ग्राम पाउडर इट इज यूज फॉर फर्मेंटेड प्रिपरेशन काला चना जो होता है उसके पाउडर के साथ मिलाने के बाद इसे काम में लिया जाता है फर्मेंटेड प्रिपरेशन के लिए साउथ इंडिया में जैसे इडली और डोसा बनाने के लिए इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग एल्कोहलिक बेवरेजेस एल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने के लिए भी हम राइस को काम में लेते हैं एंड एज अ सोर्स ऑफ स्टार्च एंड राइस फ्लोर इससे हमको स्टार्च यानी कि मांड और राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा भी प्राप्त होता है राइस स्टार्च हैज़ वाइड इंडस्ट्रियल पोटेंशियल चावल का जो स्टार्च होता है उसको काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है

मैट्स सैक्स, रोप्स एंड बास्केट इसके अलावा टोपी बनाने के लिए चटाई बनाने के लिए कट्टे बनाने के लिए रस्सी बनाने के लिए और बास्केट्स बनाने के लिए भी हम स्ट्रॉ काम में लेते हैं नेक्स्ट इज मेज जिसे कॉर्न भी बोलते हैं या भुट्टा बोलते हैं बॉटनिकल नेम ऑफ मेज इज जिया मेज इट बिलोंग्स टू फैमिली पोएसी एंड वर्नेक्युलर नेम इज़ मक्का फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओरिजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मेज़ सो मेज़ इज एन इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड पूरे विश्व में पाए जाने वाला एक इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप के रूप में से देखा जाता है इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर कल्टिवेशन एंड प्रोडक्शन इट रेंस ओनली नेक्स्ट टू वीट एंड राइस अगर हम एरिया अंडर कल्टीवेशन की बात करें और इसके प्रोडक्शन की बात करें तो वीट और राइस के बाद में इसका नंबर तीसरा होता है There is much controversy regarding origin of maize. Now, मक्के का ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है द archaeological एंड geological एविडेंसेज इंडिकेट्स दैट इट वॉज ओरिजिनेटेड एज अ वाइल्ड प्लांट इन मैक्सिको सेंट्रल एंड साउथ वेस्ट अमेरिका सम फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो आर्कोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एविडेंसेस के द्वारा ये पता लगा है कि मक्के का ओरिजिन हुआ था एक वाइल्ड प्लांट के रूप में मैक्सिको में सेंट्रल और साउथ वेस्ट अमेरिका में लगभग 5,000 वर्ष पहले एन एशियाटिक ओरिजिन ऑफ मेज वॉज एडवांस्ड बाय सम वर्कर्स हु कंसिडर दैट इट वॉज़ ओरिजिनेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया प्रोबेबली इन इंडिया एंड देन स्प्रेड टू अमेरिकन कंटिनेंट बिफोर कोलम्बस नाउ अगर एशियाटिक ओरिजिन एशिया में इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उसकी बात करें तो इट वॉज़ एडवास्ड बाय सम वर्कर्स कुछ वर्कर्स ने इसके बारे में बताया जो कंसिडर करते थे दैट इसका ओरिजन यानी कि मक्के का ओरिजन साउथ ईस्ट एशिया से हुआ है प्रोबेबली उन्होंने कहा कि इसका ओरिजन भारत से हुआ है और यहाँ से ये फैल गया सभी अमेरिकन कंटिनेंट में कोलंबस से पहले के समय में मेज हैज़ बिन कल्टिवेटेड फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स इन मैनी पार्ट्स ऑफ अमेरिकन कंटिनेंट अमेरिकन कंटिनेंट्स में कई सालों से मक्के को उगाया जाता है कल्टिवेट किया जाता है इट वॉज प्रोबेबली कैरिड टू यूरोप बाय कोलम्बस ऐसा माना गया है कि ये यूरोप में कोलम्बस के द्वारा ले जाया गया उसके बाद स्पेनियर्स और पोर्चुगीज थे जिन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया सभी ट्रॉपिकल रीजन्स में टुडे मेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द वर्ल्ड्स फूड प्लांट्स एंड इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन अमेरिका मैक्सिको ब्राज़ील न्यूजीलैंड चाइना साउथ अफ्रीका अर्जेंटाइना फ्रांस रोमानिया हंगरी एंड इटली ४४ फोर परसेंट ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन कम्स फ्रॉम अमेरिका अलोन ४४ फोर प्रतिशत विश्व के टोटल प्रोडक्शन का खाली अमेरिका से हमको इसका प्राप्त होता है इट इज़ नाउ कल्टिवेटेड इन द होल वर्ल्ड ऑन ओवर हंड्रेड मिलियन हेक्टर्स ऑफ लैंड विद यील्ड ऑफ थ्री फिफ्टी मिलियन टन्स इन इंडिया यूपी बिहार हिमाचल प्रदेश पंजाब Karnataka, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Rajasthan, and Jammu and Kashmir are the major maize producing areas. During 2007 8, it was grown on approximately 6.6 .6 million hectares of land, and the total product production was 19.31 million tons.